नमस्कार दोस्तों, आज की वीडियो में बात करेंगे सेमीफाइनल मैच की बंगाल T20 के, जो कि यहां पर खेला जाएगा तपन मेमोरियल क्लब वर्सेस कलिगत क्लब के बीच में। तो इस वीडियो के अंदर हम आपको प्रॉपर डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन बताएंगे, तो इसीलिए वीडियो को पूरा ज़रूर वॉच करिएगा अगर आप लोग इस मैच में एक अच्छा खासा अमाउंट वॉन करना चाहते हैं तो, क्योंकि पिच रिपोर्ट वेदर रिपोर्ट की जानकारी तो देंगे, साथ में आपको ये भी बताएंगे किस प्लेयर को आप वाइस कैप्टन बनाएं और किस प्लेयर को कैप्टन बनाएं। तो इसीलिए वीडियो को पूरा वॉच करिएगा। उससे पहले आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, पास में जो बेल आइकन है उसको भी ज़रूर आप लोग ऑल पे कर लें ताकि आपको आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। बाकी अगर आप चाहते हैं आपको किसी भी मैच की लाइनअप सबसे पहले मिले, फाइनल टीम मेरी सबसे पहले मिले, तो उसके लिए आप लोग हमें टेलीग्राम पर ज्वाइन कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में जो लिंक है आप लोग उसके ऊपर क्लिक करें और डायरेक्ट आप लोग हमारे टेलीग्राम चैनल से ज्वाइन हो सकते हैं, जहां पर मैं आपको फ्री टीम्स प्रोवाइड करता हूं। तो उम्मीद करूंगा कि आप लोग वीडियो को लाइक भी कर देंगे, चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, पास में बेल आइकन भी ऑल पे कर लेंगे और हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लेंगे। तो दोस्तों, अब मैं चलता हूं नोट्स की तरफ, जहां पर आपको मैं से रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बता देता हूं। तो यहां पर देखिए, सबसे पहले जो यहां पर वेदर रिपोर्ट है वो यहां पर कह रही है कि यहां पर जो एक अच्छा मैच यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा, प्रॉपर मैच देखने को मिलेगा आपको, यानी दोनों इनिंग्स कंप्लीट देखने को मिलेंगी, तो इसलिए आप लोग इस मैच में अच्छा इन्वेस्ट कर सकते हैं, रेन के यहाँ पर चांसेस नहीं है। पिच कंडीशन की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर जो पिच है वो बॉलर्स को सपोर्ट कर रही है। लास्ट मैच में यहाँ पर देखा गया था कि जो बैट्समैन है वो अच्छे तरीके से रन बना पा रहे थे और जो बॉलर्स थे उन्होंने 150 जैसे स्कोर को भी डिफेंड कर लिया था, तो इसलिए आप जो टीम क्रिएट करें वो बॉलर्स के फेवर में करिएगा। एवरेज फर्स्ट इनिंग स्कोर यहाँ पे 149 है, तो आप कह सकते हैं T20 फॉर्मेट में एक लो स्कोर माना जाता है। रिकॉर्ड ऑफ चेसिंग टीम, यानी जो भी टीम चेस कर रही है वो यहाँ पर 2 बार जीती हो, 3 बार हारी है। अब मैं बात करता हूँ तपन मेमोरियल क्लब के बैटिंग लाइनअप की, तो इनकी तरफ से आपको कौशिक घोष, शहबाज अहमद, विकास सिंह, रमेश प्रसाद, शाकिर हबीब गांधी, देवप्रतम हल्दर, संदीपन दास, गौरव चौहान, कैफ अहमद, पी भ्रमन, तरुण आपको देखने को मिल जाएंगे। वहीं कलिगत की तरफ आपको सुदीप, अभिषेक बोस, ज्योति बोस, शुभम सरकर, सत्यकी दत्ता, शुभम चटर्जी, प्रदीप्ता परमनिक, सौरभ मंडल, अमित कुइला, मिथिलेश दास, आमिर घनी आपको देखने को मिल जाएंगे। अब मैं बात कर लेता हूँ इस मैच के टॉप प्लेयर्स आप लोग किनको बना सकते हैं और किसको अपनी टीम में रख सकते हैं। तो पहले नाम यहाँ पर आता है संदीपन दास का, जो कि बहुत ही कमाल के प्लेयर है। इन्होंने 168 रन टूर्नामेंट में बनाए हैं और 16 विकेट निकाले हैं। उसके अलावा यहाँ पर नाम आता है रमेश प्रसाद का, जिन्होंने 21 विकेट अभी तक टूर्नामेंट में निकाले हैं, वो भी 10 के एवरेज के साथ। इन्होंने अच्छी इकोनॉमी के साथ बॉलिंग भी की हुई है। उसके अलावा अगर यहाँ पर मैं बात करूँ प्रयास रे ब्रह्मन की, तो ये बहुत ही कमाल के यंग स्पिनर हैं। इन्होंने 12 विकेट निकाले हैं और पिछले मैच में इन्होंने टॉप ऑर्डर पे आके बैटिंग भी अच्छी की थी। उसके अलावा यहाँ पर मैं बात करूँ शहबाज अहमद की, तो इन्होंने भी 5 विकेट निकाले हैं और साथ में 202 रन भी बनाए हैं टूर्नामेंट में, तो ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट प्लेयर रहेंगे अगर आज के मैच में ये खेलते हैं, तो आप लोग ज़रूर इनको अपनी टीम में सेलेक्ट करिएगा। अब मैं बात करूं कैप्टन एंड वाइस कैप्टन की, तो कैप्टन आप लोग यहां पे संदीपन दास को बना सकते हैं, रमेश प्रसाद को बना सकते हैं, वाइस कैप्टन आप लोग यहां पे शहबाज अहमद और यहां पे प्रयास ब्रह्मन को अपनी टीम का बना सकते हैं। एक्सपर्ट एडवाइस की अगर मैं बात करूं तो यहां पे जो कलिगत क्लब है उनकी तरफ जो सुदीप चटर्जी हैं वो आपके लिए एक इंपॉर्टेंट प्लेयर हो सकते हैं। उन्होंने 295 रन बनाए हैं टूर्नामेंट में, उनके नाम 3 हाफ सेंचुरीज भी हैं और साथ में रन स्कोरर भी हैं टूर्नामेंट के, तो आप लोग इनको टीम में अपनी ज़रूर रखिएगा, हर ग्रैंड लीग की टीम में भी, स्मॉल लीग की टीम में भी, और कैप्टन वाइस कैप्टन इनको आप लोग बना सकते हैं। बाकी बात करें आज का मैच का विनर कौन रहेगा, तो तपन मेमोरियल क्लब के ज़्यादा चांसेस है आज के मैच को वॉन करने के। तो दोस्तों, उम्मीद करूंगा कि आप लोगों ने वीडियो को पूरा वॉच किया होगा और बिल्कुल भी स्किप नहीं किया होगा। तो जिन भी भाइयों ने वीडियो को पूरा वॉच किया होगा तो वो लोग खुद से एक अच्छी टीम क्रिएट कर पाएंगे। तो अब मैं चलता हूं ड्रीम इलेवन की तरफ, जहां पर आपको एक अच्छी सी टीम क्रिएट करके बता देता हूं। तो देखिए आपके सामने यहां पर विकेट कीपर सेक्शन में बात करूं तो 2 पिक हैं चटर्जी की और यहाँ पे हबीब गांधी की, तो दोनों भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। हबीब गांधी ने भी पिछले मैच में 41 रन बनाए थे और यहाँ पे चटर्जी तो हैं वो एक अच्छे प्लेयर हैं ही, तो मैं यहाँ पे दोनों विकेट कीपर को सिलेक्ट करूँगा क्योंकि दोनों विकेट कीपर आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं, तो आप लोग भी यहाँ पर दोनों विकेट कीपर्स को ज़रूर सेलेक्ट करें। बैटिंग सेक्शन में यहाँ पर मैं के अहमद को पिक करूंगा, जय बसु को पिक करूंगा, उसके अलावा यहाँ पे मैं एस चटर्जी को पिक करूंगा। बाकी आपके सामने गोदरा की पिक है, आप लोग इनको सेलेक्ट कर सकते हैं। वी सिंह एक अच्छी पिक है आपके लिए, आप लोग इनको लेना चाहें तो ले सकते हैं। अभी के लिए मैं वी सिंह को अपनी टीम में पिक नहीं कर रहा हूं, बाकी लाइनअप के बाद अगर मुझे पता चलता है कि वी सिंह प्ले कर रहे हैं तो मैं आपको टेलीग्राम पर बता दूंगा कि इनको आज के मैच में आपको पिक करना है या नहीं करना है। अभी के लिए मैं इनको यहाँ पर पिक नहीं कर रहा हूँ, मैं यहाँ पर जय बसु, के अहमद, एस चटर्जी को यहाँ पर पिक करने वाला हूँ।
ऑलराउंडर सेक्शन में यहाँ पर देखिए, मैं घनी को भी पिक करूंगा, एस दास को भी पिक करूंगा। पिछले मैच में शहबाज अहमद खेले नहीं थे, लेकिन इस मैच में अगर खेलते हैं तो मैं इनको जरूर पिक करूंगा, क्योंकि आप देख सकते हैं टूर्नामेंट में इन्होंने अच्छा परफॉर्म किया हुआ है। तो अगर ये इस वाले मैच में जरूर खेलेंगे, क्योंकि सेमीफाइनल मैच है, तो इसलिए मैं इनको यहाँ पर सेलेक्ट कर ले रहा हूँ। और आप लोगों से भी कहूँगा कि आप लोग जरूर इनको अपनी टीम में सेलेक्ट करें। अगर ये नहीं खेलेंगे तो मैं आपको बता दूंगा कि आप लोग इनको सेलेक्ट कर सकते हैं या फिर नहीं। बॉलिंग सेक्शन में आप देखिए, मैं ब्रह्मन को जरूर पिक करूंगा, क्योंकि बैटिंग भी आज अच्छी खासी इन्होंने पिछले मैच में की थी टॉप ऑर्डर पे आके, तो हो सकता है कि आज भी ये टॉप ऑर्डर पे बैटिंग कर रहे हैं, साथ में बॉलिंग तो अच्छी कराते ही हैं। उसके अलावा यहाँ पर आप आर प्रसाद को ले सकते हैं। बाकी यहाँ पर आप देख सकते हैं क्रेडिट प्रॉब्लम यहाँ पर हमें कितनी देखने को मिल रही है। हम लोग यहाँ पर एक और जो बॉलर सेलेक्ट करेंगे वो आपको मैं बता देता हूँ, मैं किस बॉलर को यहाँ पर सेलेक्ट करने वाला हूँ। एक तो ऊपर मोहनदल की पिक है, दूसरी पिक यहाँ पर आपके लिए कोयला की रहने वाली है, आप इनको सेलेक्ट कर सकते हैं। बाकी देखा जाए तो कोई इतना इंपॉर्टेंट यहाँ पर है नहीं, नीचे किसी को मौका भी नहीं दिया गया है। तो अगर हम क्रेडिट अगर मैनेज करें तो आप, अगर एक घनी की बात करें तो देख सकते हैं कि हर एक मैच में अच्छा परफॉर्म किया, तो हम इनको तो ड्रॉप नहीं करेंगे। तो हमें यहाँ पर बैटिंग सेक्शन में अगर मैं रिस्क लूँगा, तो यहाँ पर जय बसु को अगर मैं ड्रॉप करता हूँ और इनकी जगह पर मैं वी सिंह को पिक करता हूँ, तो हमारे पास 8 का क्रेडिट बच जाता है। जहाँ पर अगर मैं देखूँ तो चक्रवर्ती को मैं यहाँ पर पिक कर लेता हूँ। तो कुछ इस प्रकार की जो ये टीम है वो मैंने क्रिएट की है, और मैंने आपको पहले ही बता दिया था जो तपन मेमोरियल क्लब है उसके ये मैच जीतने के चांसेस ज़्यादा हैं, तो इसलिए मैंने यहाँ पर जो 7 प्लेयर्स इन्हीं के लिए हैं, केएसी की तरफ से 4 प्लेयर लिए हैं। बाकी शहबाज अहमद आज के मैच में डेफिनेटली खेलेंगे, तो ज़रूर पिक कर लीजिएगा इनको। बाकी लाइनअप के बाद अगर नहीं खेलते हैं तो मैं बता दूंगा कि इनकी जगह पर आपको किसको लाना है। अभी अगर मैं बात करूँ, देखिए कैप्टन तो यहाँ पर मैं एसदास को बनाऊंगा, वाइस कैप्टन यहाँ पर मैं एक घनी को बनाऊंगा। बाकी ब्रह्मन भी आपके लिए इंपॉर्टेंट भी के वाइस कैप्टन के लिए, तो आप लोग इनको भी बना सकते हैं, लेकिन मैं कैप्टन वाइस कैप्टन अपोजिट टीम के बनाना चाहूँगा आज के मैच में, क्योंकि ये मैच दोनों टीम्स के लिए इंपॉर्टेंट है, तो दोनों टीम्स इस मैच में अच्छा परफॉर्म करेंगी, तो इसलिए कैप्टन वाइस कैप्टन मैं यहाँ पर अपोजिट बनाऊंगा। तो मैं अपनी इस टीम को दोस्तों सेव कर देता हूँ, आप लोग हमारी इस टीम का प्रीव्यू देख लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जहाँ पर भी आप लोग प्ले कर रहे हो वहाँ पे जाके आप लोग इस टीम को सेव कर सकते हैं। 100% गारंटी है आप लोग इस टीम के साथ जरूर वॉन करेंगे। बाकी अगर आपको चेंज करना चाहें तो अपने हिसाब से कर सकते हैं। वीडियो को अगर आपने पूरा वॉच किया है तो आप लोग खुद से भी एक अच्छी टीम क्रिएट कर पाएंगे, आप लोग खुद से भी अच्छे प्लेयर्स को पिक कर पाएंगे, क्योंकि वीडियो के अंदर मैंने आपको हर एक प्लेयर के स्टेट्स के बारे में बताया है, हर एक प्लेयर की इंपॉर्टेंस बताई है। तो आप लोग ने अगर वीडियो को वॉच किया होगा तो खुद से अच्छी टीम क्रिएट कर पाएंगे। बाकी अगर आपने आधा अधूरा देखा होगा तो आप लोग हमारी इस टीम के साथ जा सकते हैं, हमारी टीम में भी अगर आप कुछ चेंजेस करना चाहें तो कर सकते हैं। जैसे कैप्टन को यहाँ पर वाइस कैप्टन कर सकते हैं, वाइस कैप्टन को आप लोग कैप्टन बना सकते हैं, किसी एक प्लेयर को ड्रॉप करके इसकी जगह पर किसी दूसरे प्लेयर को सेलेक्ट कर सकते हैं। तो चेंजेस जो हैं वो अपने हिसाब से कर लीजिएगा। बाकी टेलीग्राम पर अगर आपको मेरी फाइनल टीम जाननी हो तो ज़रूर एक बार चेकआउट कर लीजिएगा, टेलीग्राम पर डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी, तो ज़रूर हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा। तो दोस्तों उम्मीद करूँगा कि आप लोग वीडियो को लाइक कर देंगे, चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, पास में जो बेल आइकन होगा उसको भी आप लोग ज़रूर ऑल पे प्रेस कर लेंगे, ताकि आपको आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। तो दोस्तों मिलता हूं मैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में जल्दी ही, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।